अंशु। हेलो अकबर जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है आज आप लोगों के सामने और आपके व्यूअर्स का। देखिए, गार्डनिंग करने के अलग अलग मकसद होते हैं, खासकर किचन गार्डनिंग वगैरह। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम शैली विश्वजीत है, शैली विश्वजीत प्रसाद। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्याम कृष्ण प्रसाद बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में थे और बहुत ही पैशनेट थे, काफ़ी गार्डनिंग को, फूल पौधों को लेकर, नेचर को लेकर। ही वॉज अ वेरी वेरी पैशनेट मैन। और देखिए, उन्हीं का नतीजा है कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सेकंड फ्लोर है। उसके ऊपर उन्होंने देखिए पूरी क्यारियाँ वगैरह बनवाई, और आज नहीं बनी है ये, कम से कम 20 साल 25 साल हो गए इसको बने हुए। उस समय जब टेरेस गार्डनिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तब मेरे पिताजी ने इस चीज़ को बनाया। सोचिए कितनी मेहनत और कितनी सूझबूझ से बनाया और कितने पैशन से बनाया। और देखिए, सब चीज़ों का ध्यान रखा गया। ये आप अगर देखेंगे, इसमें पानी निकलने की भी जगह है। ये नहीं कि सिर्फ सीमेंटे बना देगा, ही अप्लाइड हिज माइंड कि कैसे करना है, क्या करना है। यहाँ इतनी ईटा आई गई, जोड़ी गई, मिट्टी फिर लाई गई, और फिर अलग अलग तरीके से। फिर वो जैसे 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 उनकी उम्र होती गई, थोड़ा उनका आना ऊपर कम हो गया। मैं ज़्यादातर दिल्ली रहता था, मैं वहाँ, मेरी नौकरी वहाँ है, मेरी वाइफ की भी, बच्चे भी वहीं पड़े हैं, तो मैं भी ध्यान नहीं दे पाता था। लेकिन 2 साल पहले जून में 2019 को उनका देहांत हो गया, तब से मेरा यहाँ आना जाना काफ़ी बढ़ गया। फिर उनके पैशन को मैं एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर आया, ठीक है। पहले भी यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह उगती थी, फिर मैंने थोड़ी स्टडी की, थोड़ा अपना शौक भी होता है लोगों का करके, फिर मैंने दोबारा मिट्टियाँ वगैरह जो थी उसको मैंने रीजुबनेट किया, और रीजुबनेट में 95% सारा कुछ इसमें ऑर्गेनिक है। 5% मिनिमम कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो नेचुरल कंपोस्ट वगैरह में आसानी से नहीं हो पाते, सिर्फ वो मैंने ऑनलाइन मंगाया। अदरवाइज सारी चीज़ें जो हैं, जो आप देख रहे हैं, ये ऑर्गेनिक है। और इसमें मैंने किसी माली वगैरह की जगह कोई मदद वगैरह नहीं ली। यहाँ पे हम ही लोग सब मिलजुल के, ये जो लड़के देख रहे हैं, ये खास, इसका नाम विकास है। अकबर जी, अगर आप ये देखेंगे, ये लड़का विकास है, ये हमारे साथ काफ़ी दिनों से जुड़ा हुआ है। ये और मैं मिलके काफ़ी करते हैं। मैं अगर दिल्ली नहीं रहता हूँ तो इसको ये पूरा संभाल लेता है, मैं यहाँ रहता हूँ तो मैं इसके साथ मिलके। बट इट्स अ बेसिकली अ वर्क ऑफ पैशन। क्या क्या है अभी आपके किचन का? दूसरा मैं जो बताना चाहूँगा कि जब आदमी लगाता है ना, पहले शुरू में सोचता है कि कुछ फूल के पौधे लगाओ, कुछ अच्छा दिखना चाहिए, देन यू रियलाइज कि नहीं, कुछ इससे आगे करके देखते हैं, क्योंकि मिट्टी है यहाँ पे, 3-3 फीट मिट्टी है। फिर हमने सब्जियाँ काफ़ी उगाई, और भगवान की दया से, मेहनत से, अगर आप फूल पौधों को, पेड़ पौधों को प्यार से रखेंगे तो बड़े ये भी आपको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो हमने बीन्स लगाया विंटर में, बीन्स के साथ साथ हमने खीरा लगाया, मिर्ची के पौधे देख रहे हैं, इतने एक एक पौधों में कम से कम एक एक दिन में 150-200 मिर्चियाँ निकली हैं। क्यों विकास, सही बोल, इतना ज़्यादा अनार भी हुआ है। तो सीजन के हिसाब से लगाया हमने। और अभी आपको बता दूं दिवांशु जी, अभी ये जो लगा हुआ है, ये फर्स्ट टाइम भिंडी हमने लगाया है, आप देख रहे हैं कितने अच्छे से खिली हुई है और कितनी बड़ी बड़ी खिली हुई है, आपको आश्चर्य होगा। भिंडी है, मूली हमने लगाया हुआ था, मूली बहुत अच्छा हुआ, ठीक है। मिर्ची हो ही रही है, नींबू के पौधे हैं जो बड़े हो रहे हैं, तुलसी जी का कृपा रहता है हमारे ऊपर, अपने आप आ जाती हैं। ये देखिए सेम है, ये अभी आप देखेंगे 1-1.5 महीने का इतना अच्छा देने लगेगा ये फल। देसी सेम का पेड़ है ये, फल पौधा एकदम खिलखिला कर, देखिए वो लहरा के ऊपर जा रहा है। 3 हैं, 2 उधर जा रहे हैं, 1 इस तरफ जा रहे हैं। और शौक के लिए सारे, कुछ आम हैं, कुछ नींबू है, कुछ संतरा, ये शौक के लिए कि इनके पत्तों को देखकर अच्छा लगता है। अमरूद का लगाया वो, ये देखिए, ये हल्दी है,
हमने शुरू में हमें लगा था हल्दी नहीं होगा, लेकिन इतना अच्छा ग्रोथ हुआ है इसका धीरे धीरे और अचानक कि आप मानेंगे नहीं। और ये करीब 1.5 महीने बाद हल्दी का साइकिल 8-9 महीने का पूरा हो जाएगा। मिट्टी कैसे तैयार करते हैं आप? सर कुछ ओरिजिनल मिट्टियाँ थी पिताजी के समय से, उसको पूरी तरह साफ सफाई वगैरह की गई, फिर कुछ मिट्टियाँ डाली गई, फिर कंपोस्ट खाद काफ़ी डाला गया। कंपोस्ट खाद में क्या? कंपोस्ट तो हम लोग मार्केट से ही लाते हैं, जो माली वगैरह या नर्सरी में मिलता है, ठीक है, वो खरीद कर ही लाते हैं, अभी अपना खुद बनाना शुरू नहीं किया हमने। और कंपोस्ट के साथ साथ कुछ पुराने गोबर, गाय के गोबर का खाद हमने मंगवाया ऑनलाइन। अच्छा। कुछ भैंस के गोबर हमने पुराने मंगा के सुखा के वो सब डलवाए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मंगवाए जो थे। फिर ये देखिए केला है, ये 1 साल भी नहीं हुआ है, देखिए कितना बड़ा हो गया है। और छत के ऊपर इतनी बड़ी कड़ी पत्ता, अकबर जी आप देखेंगे तो मुझे लगता नहीं है कि इतना बड़ा कड़ी पत्ता छत के ऊपर कहीं देखा होगा आपने, तो खैर बहुत जगह गए हैं, आपका तो शो बहुत पॉपुलर है। इतना बड़ा कड़ी पत्ता मैंने भी नहीं देखा टेरेस पे। हाँ। खैर आपके पास एक फ्लावर गार्डन भी। और एक और अकबर जी वंशु जी ये देखिए मघी पान है। हमने भी जब लगाया था इसकी बस 3 पत्तियां थी, अब हमें विश्वास नहीं था कि इतनी अच्छी सी ये मघी पान आ जाएगी, और एक ही जगह नहीं, एक और जगह है मघी पान। तो बेसिकली आप दिल्ली में रहते हैं, जब भी वक्त मिलता है तो पटना में आते हैं कि अब मैं आधा समय पटना आधा समय दिल्ली दोनों जगह बिता रहा हूँ, क्योंकि एक मेरे बड़े भाई हैं, थोड़ा बचपन से ही मानसिक थोड़ा है, तो दोनों तरफ मुझे देखना पड़ता है। मेरी वाइफ प्रोफेसर है, बेटी वहाँ है। चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करें। इनके पास एक और टेरेस गार्डन है जहाँ पर बेसिकली फ्लावर के पौधे बहुत सारे लगे हुए हैं, वो वीडियो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करें। फिलहाल अभी तक लेते हैं।